ओके गाइस, सो आज हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं फाइनली क्यू एंड ए वीडियो। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जब वीडियो अपलोड करा तो मुझे लगा नहीं था यार कि इतने सारे सवाल आने वाले। मुझे लगा यार बहुत आएगा, 10 12 20 सवाल आ जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। बट यार काफ़ी सारे सवाल आए थे, मतलब काफ़ी सारे आए थे यार, मतलब इतने ज़्यादा आए थे। तो उनमें से मैंने पहली बात तो वीडियोस पे कुछ 36 40 कमेंट थे, उनमें से मैंने शॉर्ट लिस्ट किया। मैंने फिर वो मतलब इतने सारे लोग पूछ रहे हैं तो फिर मैंने और इंस्टाग्राम से उठा लिया। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारा मैंने सर्च किया यार, हैशटैग मिश्रा जी यूज़ करने बोला था तो वहाँ पे मिल गया यार कमेंट्स। और मैंने स्टेटस अपलोड करा था उस पर भी यार आप लोगों ने इतना पूछ लिया, तो मैंने बोला यार आप कर रहे तो एकदम अच्छे से करते हैं। सारे सवाल लाया, मर्ज किया मैं। उसके बाद फिर यार मुझे तकरीबन कम करते करते मैं आ गया हूँ 20 क्वेश्चन पे। मतलब यार जो सिमिलर क्वेश्चन थे मैंने सबको मर्ज कर दिया है। 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मुझे पसंद आए, बहुत अच्छे लगे, और रिपीटेड भी थे तो वो सेम सेम, तो उसमें मर्ज हो गए। ओके, तो मैं हूँ आपका दोस्त सरोज अरकम अंसारी, आप देख रहे हैं मिस्टर इंडियन गेमर। स्टार्ट करते हैं हमारी ये क्यू एन ए वाली वीडियो फटाफट से। लेट गेट इनटू दिस। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। और यार एक चीज़ सबसे पहली, एक चीज़ मुझे कमेंट करना है नीचे, सिर्फ ये कमेंट कर देना कि आप लोग ये वीडियो कब देख रहे थे, मेरे कितने सब्सक्राइबर्स थे, कितने सब्सक्राइबर्स पर आप ये वाली वीडियो मेरी देख रहे थे। ओके, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना ये चीज़। और स्टार्ट करते हैं वीडियो, और सबसे पहला है यहाँ पे, अगर किसी यूट्यूबर से मिलने का मौका मिले तो किससे मिलोगे? एक्सेप्ट कैरी एंड निखिल। अरे भाई कैरी और निखिल तो पहले ही नाम लिख दिया यार तुमने, बट मेरे यूट्यूबर मुझे सब पसंद है यार, मतलब सारे के सारे इंडियन क्रिएटर्स सब पसंद है। अभी यहाँ पे आपने दो नाम पहले ही अलग कर दिया है, तो मैं मिलना चाहूँगा यार भुवन बम से, बीबी और आशीष भाई। बहुत सही यार, मतलब यार मैं बोलते जाऊँ तो बहुत सारे हैं, मेरे को सब पसंद है गाइस, सब पसंद है। ओके, हैशटैग आस्क मिस्टर आई जी, पहली वीडियो यूट्यूब पर डालने का कैसा रिएक्शन मिला? रिएक्शन तो यार मैं चलो बताता हूँ कैसा रिएक्शन मिला। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यह है मेरी पहली वीडियो जो कि मैंने एक ग्राफिक कार्ड के बारे में बताया था, GT 710 ग्राफिक कार्ड, जिसपे 978 व्यूज थे। उसके बाद मेरा चैनल बंद हो गया था, और ये वाला चैनल मैंने 1 साल चलाया था, उसके बाद यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन उसका ऑफ कर दिया था। तो ये था मेरा पहला वीडियो, उस पर था मेरा 978 व्यूज, तो इसके एनालिटिक्स ये रहे आपके सामने। सबसे बेस्ट गेमर कौन लगता है ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो ऑल ओवर द वर्ल्ड तो मतलब अपना मॉर्टल भाई, मॉर्टल, डायनामो, क्रॉन्टन, एवरीवन। बट अभी यहाँ पे आई थिंक सो एक की बात हो रही है, तो आई शुड से मॉर्टल। और अगर आप लोग पूरे गेमिंग मतलब सारे पीसी कंसोल सब बात करी जाए तो मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड, मॉर्टल मैं कहूँगा, और श्राउड, ये दो लोग बेस्ट है भाई, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। चैनल का नाम क्या सोच के रखा था? चैनल का नाम मुझे पता नहीं क्या सोच के रखा था, बट सबसे पहला मेरे चैनल का नाम अगर आप लोगों को पता होगा तो उसका नाम था 1NDIAN G8MER। तो लोग बोलते थे वन इंडियन गेटमर, ये कहा करते थे वन इंडियन गेटमर, तो मैंने फिर उसको करा इंडियन गेमर। तो फिर यार जैसे ही मैंने इंडियन गेमर करा तो मुझे मालूम पड़ा यार इंडियन गेमर पहले से ही कोई है, तो मैंने उसके पहले लगा दिया मिस्टर। ओके, तो मैंने लगा दिया मिस्टर, तो उसका नाम हो गया मिस्टर इंडियन गेमर। ये है स्टोरी बिहाइंड माय चैनल नेम। भाई इंस्पायर किससे होते हो? इंस्पायर मैं होता हूँ ज़्यादातर तुम लोगों से, तुम लोग सपोर्ट जो दिखाते हो वो सपोर्ट की वजह से। कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं देख देख के सीखता हूँ। ओके, उन यूट्यूबर्स को शायद आप जानते हो, अगर जानते हो तो कमेंट कर देना, दिल दे दूंगा मैं उस वाले कमेंट पे, समझ जाओगे यार आप लोग। ठीक है, 10th और 12th में कितना परसेंटेज आया था? सच सच बताना। सच सच बताऊं? गीता का है यार, कुरान का है, मैं हाथ रख के बोलता हूँ, वो जज वो लोग करते हैं ना। तो यार 10th और 12th में आया था मेरा परसेंटेज, 10th स्टैंडर्ड में मेरा परसेंटेज आया था 48%, और 12th में आया था 49%। ग्रोथ देख रहे हो लौंडे की, ग्रोथ 48 49, ये थी मेरी ग्रोथ। ओके, एक्चुअली यार पढ़ाई में बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब था मेरा, ज़रा भी मन नहीं था पढ़ाई में, सिर्फ पीसी में मन था, और बैठा हूँ मैं पीसी पे यार। ड्यूड फैमिली को कैसे मना लिया स्ट्रीम के लिए? स्ट्रीम करने के लिए तो अब वो अभी भी नहीं माने हैं, मैं लड़ झगड़ के बैठता हूँ, मतलब लड़ झगड़ के नहीं बट हाँ थोड़ा सा सीन रहता है, हमेशा सीन रहता है।
क्योंकि यार कुछ काम होते हैं वो काम मैं नहीं करता हूँ इस वक्त स्ट्रीम के वक्त पे, तो उसके लिए बहुत गालियाँ पड़ती है घर से, बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती। तेरी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? क्या सोचा था तूने कि अब यूट्यूब करूँगा और उसमें ही करियर बनाऊँगा? मैंने क्या सोच के यूट्यूब स्टार्ट किया? मैंने सोचा बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत पैसे, ठीक है, मतलब यार इतने पैसे कि मतलब बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। नहीं, ये ज़्यादा हो गया थोड़ा। सीन ये था यार कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, मेक अ यूट्यूब चैनल। मुझे आज भी उस यूट्यूबर का नाम याद है, UIC नाम था उस बंदे का। ओके, UIC आप लोगों को पता होगा। तो उसने उनकी वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने फिर और ढूंढा और ढूंढा और ढूंढा, वीडियो मतलब बनाया, चैनल बनाया, और फिर वैसे ही शुरू हुआ, चैनल शुरू हुआ, 1 साल चलाया, बंद हुआ, फिर चैनल बनाया, फिर 1 साल चलाया, बंद हो गया, 2 चैनल बंद हो गए, फिर बनाया, फिर 6 महीने में बंद हो गया, अभी फिर बनाया है, अभी चल रहा है, चौथा चैनल है ये। ओके, सो बस आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो यार ये वाला चैनल फाड़ देंगे अपन, एकदम टॉप पे लेके जाएंगे। तेरी मोनेटाइजेशन इनेबल है इस चैनल पर और तुम अपने एक्सपेंसेस कैसे अफोर्ड करते हो? कॉन्गो 410 के लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम अनदर ह्यूमन, लव फ्रॉम मुंबई, लव फ्रॉम इंडिया डूड। तो सबसे पहली चीज़ यार, मोनेटाइजेशन इनेबल है, यस इनेबल, जस्ट अभी कुछ दिन पहले हुआ था, 2 महीना पहले इनेबल हुआ था और मुझे लास्ट मंथ मेरी अर्निंग मिल गई है, पहली अर्निंग मिल गई है। और मेरे एक्सपेंसेस मैं कैसे अफोर्ड करता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मेरे एक्सपेंसेस इसलिए अफोर्ड हो जाते हैं क्योंकि आई एम सिंगल, मैं सिंगल हूँ, मेरे 80% पैसे वहीं पर बच जाते हैं। ओके, तो सबसे अच्छा फ़ायदा यही है सिंगल होने का कि पैसे बच रहे हैं यार। और सिंगल नहीं हूँ मैं, कमिटेड हूँ, अपने PC के साथ कमिटेड हूँ। ओके, तो ये है मेरा सीन, सारे पैसे इसमें जाते हैं, सब बहुत बहुत खर्चा खाता है यार, ये बहुत खर्चा लेता है। ओके, लेकिन मेरे लिए बेस्ट है यार, मेरे लिए बहुत अच्छा है। लव फ्रॉम पाकिस्तान भाई, मेरा सवाल, तू कैमरा कौन सा यूज़ करता है रिकॉर्ड करने के लिए? देखो, मैं रिकॉर्ड उतना तो करता नहीं, बट जितना भी अनबॉक्सिंग या फिर कोई अलग वीडियो देखते हो, जैसे अभी मैं ये Q&A वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने Redmi Note 5 Pro से, ठीक है, तो ये इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट मैं अभी आजकल जितनी भी आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ OnePlus 6 और Redmi Note 7 Pro से। मेरे पास कोई DSLR सेटअप नहीं है या कोई बहुत अच्छा कैमरा सेटअप नहीं है, मैं बस फ़ोन से ही, मैंने आज तक जितनी भी वीडियो रिकॉर्ड करी है सब फ़ोन से रिकॉर्ड करी है, सब फ़ोन से। भाई YouTube से कितना कमाते हो? बता दूं? YouTube बंद कर देगा चैनल भाई। वैसे मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ इस पे, हाउ मच डू आई अर्न फ्रॉम YouTube, नीचे कमेंट करके बताओ, बना दूं क्या? तो अभी बात करते हैं यार Instagram के सवालों का, Instagram के सवालों के जवाब दे देता हूँ मैं आपके। तो इन विच क्लैन यू वॉन्ट टू बी, मतलब यार मैं किस क्लैन में रहना चाहता हूँ? तो मैं मेरे क्लैन में ही रहना चाहता हूँ भाई। देखो यार, एक्चुअली ना सीन क्या है, मैं बड़ा अजीब सा बंदा हूँ, मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती और पसंद आ गई ना तो भाई मैं छोड़ता नहीं। जैसे मुझे यूट्यूब स्टार्टिंग मुझे कुछ उतना लगा नहीं था, लेकिन जब पसंद आया ना, वो जब चैनल बंद करा, यूट्यूब ने एक लात मारी, तो मैंने बोला नहीं मेरे को करना है क्या यार ये। तो वैसे ही जब मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती ना, जैसे मुझे यूट्यूब पसंद आ गया, जब उसने लात मारा तो मुझे वो पसंद आ गया, तो वैसे ही मुझे जब कोई चीज़ पसंद आ जाती मैं छोड़ता नहीं। मेरा क्लैन का भी सीन ऐसे ही है, मेरा क्लैन है क्रीड। ओके, मेरे जितने भी और भी मतलब काफ़ी सारे मेंबर्स थे छोड़ दिए, हट गए, मैं अभी मुश्किल से 4-5 एक्टिव यूज़र्स है उसमें, एक्टिव मेंबर्स है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उस क्लैन को छोड़ूँ। ओके, इवन कितने लोग मुझे बोलते हैं कि यार आ जाओ मेरे क्लैन में, नहीं जाता मैं उनको कहता हूँ यार तुमको आने का है तो आ जाओ, मैं नहीं आ सकता, मुझे क्लैन से दिक्कत नहीं, मुझे उस नाम से वो है, क्रीड, CREED, क्रीड ब्रदरहुड उसका मतलब होता है। ओके, अगर आपको किसी यूट्यूबर से मिलने का मौका मिले तो किससे मिलोगे? ओनली 5 यूट्यूबर्स, 5 यूट्यूबर के नाम बताऊँ, ये तो आई थिंक रिपीटेड है, बट फिर भी 5 यूट्यूबर आपने बोला है, तो मैं यार बोलूँगा मुंबई कर निखिल, फेवरेट बन जाए मेरा फेवरेट, बट ये आई थिंक कोई जवाब नहीं होगा, बट फिर भी यार 5 नाम दूंगा मैं, मुंबई कर निखिल, कैरी, भुवन, आशीष एंड 5th one फ्लाइंग बीस्ट। क्या सोच के यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था? यूट्यूब चैनल में क्या सोच के स्टार्ट किया था कि यार लोग जानेंगे, पैसे कमाऊंगा अच्छे,
लोग वो पसंद आऊंगा। अब इसका जवाब आप लोगों को देना है कि यार ये तीन में से मैं कुछ भी कर पाया हूँ, ये तीन में से कुछ भी कर पाया हूँ मैं, ये आप लोगों को जवाब देना है। नीचे कमेंट में जवाब दे देना प्लीज। व्हाट्स योर प्लान ऑफ अपग्रेडिंग योर होल पीसी एंड रिप्लेसिंग अ न्यू गेमिंग पीसी इन फ्यूचर? तो मेरा प्लान तो अभी उतना कुछ खास नहीं है, बट जैसे जैसे यूट्यूब पैसे देगा, क्योंकि मेरे पास और कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, सिर्फ यूट्यूब है, और यूट्यूब इतना पैसे नहीं देता कि आप यार एक अच्छा एक तगड़ा पीसी सेटअप कर सको। अभी तक जो भी मैंने ये पीसी सेटअप किया है, मैंने अपने पैसों से सेटअप किया है, मैंने किसी से बोरो नहीं किया, घर में किसी से नहीं लिया, मैं अपने पॉकेट मनी से सब एडजस्ट करता था। तकरीबन मुझे 1.5 साल लग गया पूरा ये कंप्लीट सेटअप करने में, जो कि तकरीबन 65K का सेटअप था। तो जैसे जैसे यूट्यूब पैसे देगा, जैसे जैसे मैं खुद अरेंज करूँगा, खुद अपनी पॉकेट मनी से अरेंज करूँगा, तब जाके एक सेटअप लेंगे तगड़ा सेटअप। तो लेट्स सी, प्रोबेबली 2, 3 या 4, 5, 6 महीनों के अंदर मैं कर लूँगा ये सारी चीज़ें। होप फॉर द बेस्ट। एमुलेटर स्क्वाड कब बनाओगे? एमुलेटर स्क्वाड बनाऊंगा मैं, नहीं बनाऊंगा मैं एमुलेटर स्क्वाड। क्यों? क्योंकि यार तुम्हारा भाई बस कुछ 15-20 दिनों में फ़ोन से स्ट्रीम करना चालू होने वाला है। यस गाइस, फ़ोन से मैं स्ट्रीम करने वाला हूँ, तो अपनी फ़ोन की टीम बनेगी, बहुत सही रहेगा। ओके, एक एमुलेटर एक्चुअली लैग होता है, बहुत लैग होता है। सेकंड चीज़, हैकर, पबजी हैकर का कुछ कर नहीं रहा यार, तो फ़ोन पे स्विफ्ट होना ही पड़ेगा। आपको YouTube चैनल स्टार्ट करने की मोटिवेशन कहाँ से मिली? लिखा है आई थिंक सो। तो YouTube चैनल स्टार्ट करने की मोटिवेशन, जैसे कि मैंने बताया है, मुझे YouTube चैनल की मोटिवेशन मिली, एक YouTube वीडियो देखा मैंने, वहाँ से मुझे क्लू मिला कि हाँ ऐसा कुछ भी फील्ड है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मैं पैसे कमाया तकरीबन YouTube से, मैंने YouTube चालू किया उसके 3 साल के बाद मैं पैसे कमाया YouTube से, 3 साल बाद। ठीक है, तो ये था कुछ YouTube का सीन, मुझे मोटिवेशन YouTube की YouTube से ही मिली थी। तो दोस्तों ये थे आपके सारे सवालों के जवाब। ओके, ये थे आपके सारे सवालों के जवाब। और गाइस बहुत बहुत शुक्रिया 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए, 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए, इवन 11,000 होने वाले हैं अभी। मैंने यार थोड़ा सा टाइम लगा दिया Q&A वीडियो आपके जवाब देने में। ओके, तो ये था कंप्लीट वीडियो यार, और आ जाओ यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे भी मैं Q&A करता रहता हूँ। और अभी अपने चैनल के मेंबर्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो मैं अपने मेंबर्स के लिए भी मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट करता हूँ, ओनली फॉर मेंबर्स मैं पोस्ट करता हूँ Q&A वीडियो, Q&A पोस्ट करता हूँ वहाँ पे। ओके, तो चाहे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, चाहे चैनल पे मेंबर बन जाओ, वहाँ पे भी आपका काम हो जाएगा। ओके, सो गाइस ये थी कंप्लीट वीडियो, उम्मीद आपको ये वाला Q&A वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड पीस आउट। जैसा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, और कुछ नहीं गाइस।